बात करें यहाँ से अगर मसाला पैक की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि धनिया का दिसंबर में आधा 8736 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 1% की तेज़ी के साथ। आपको बता दें कि पाइपलाइन खाली होने, बुआई में कमी होने, देरी होने और शॉर्टेज चलने के चलते धनिया की कीमतों में तेज़ी का ही रुझान देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड हालांकि इतनी कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो शादी का सीज़न चल रहा है उसकी वजह से मसालों में तेज़ी है, स्पेशली धनिया के अंदर। तो धनिया की बुआई भी कम है, पाइपलाइन भी कम है, शॉर्टेज भी देखने को चल रही है और इसकी मांग भी है, जिसकी वजह से धनिया की जो कीमतें हैं उनमें तेज़ी अभी हाल फिलहाल में जारी रह सकती है। धनिया में ऊपर में जो कीमतें जा सकती है जानकारों के अनुसार अभी वो 9200 तक वायदा बाज़ार में जाती नज़र आ सकती हैं, लेकिन यहाँ से अभी थोड़ी और तेज़ी आना बाकी है। थोड़ा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलता है तो फिर धनिया में अच्छी तेज़ी बनती नज़र आएगी 9200 की। तो धनिया साल 2021 के अंत तक तो अच्छा मुनाफा देगा ही देगा, वहीं साल 2022 में भी धनिया काफ़ी शानदार मुनाफा देता हुआ नज़र आ सकता है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केड़े के मुताबिक धनिया साल 2022 में 12000 तक के भी लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है। तो अगर निचले स्तर मिलते हैं 8100 के करीब, तो उनके मुताबिक धनिया को लेके चला जा सकता है, यानी कि इन स्तर पर खरीदारी करके वायदा में चला जा सकता है लंबी पोजीशन के लिए।